हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स मुरारी टेक ब्लॉग्स में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। आपको जो है अभी हम खगड़िया ज़िले के कन्हैयाचक ग्राम में लेकर आ चुके हैं, यहाँ पर माँ काली का दर्शन कराने, क्योंकि माँ काली का जो है आज विसर्जन होने जा रहा है। और ये जो है खगड़िया ज़िला का माँ काली का जो मूर्ति मैं विसर्जन वाला दिखाने लाया हूँ, ये कन्हैयाचक ग्राम का है और हमारे ज़िले से करीब 85 किलोमीटर का दूरी पड़ जाता है। लेकिन ख़ास करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। ये मंदिर चर्चा में था क्योंकि इस मंदिर को बनाने में पता चला है कि जो 5.5 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है, और ये सभी रुपया जो है इस गांव के लोग यानी कन्हैयाचक ग्राम के ही लोग दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, कहीं और से चंदा नहीं किया गया। ये एक छोटा सा खगड़िया ज़िले में एक छोटा सा ग्राम है, और इसी ग्राम के सभी लोगों ने मिलकर इस माँ काली के मंदिर को बनाने के लिए चंदा दिया है। और इतना ज़्यादा चंदा देकर इतना भव्य मंदिर बनाया गया है कि आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर देखिएगा तो इसकी छवि देखते ही बनेगी। देख लीजिए, अब हमारी माँ काली जो है मंदिर से विसर्जन के लिए बाहर निकल रही है। लोग अपने कंधे पर भक्तगण उठाकर बाहर ला रहे हैं। अब माता काली जो है हम लोग को छोड़कर चली जाएंगी। इनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। जैसे ही मैंने सुना कि वहाँ की माँ काली बहुत नामी है, मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी दिखाऊँ, जिसे देख कर हमें अच्छा भी लगेगा। और इस मंदिर चर्चा में था क्योंकि इसको बनाने में, क्योंकि मैंने बताया ना, 5.5 करोड़ रुपए की खर्चा हुआ है और इस लागत से बनाया गया है। देखिए, भक्तगण जो लोग हैं वो सब माता काली को अपने कांधे पर मार रहे हैं। और कहा जाता है यहाँ पर ऐसे कि जो माता काली को कंधा देता है माँ काली, उन्हें भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस कर देती है। और यहाँ पर कोई भी, इस गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में नौकरी ना हो। किसी घर में 4, किसी घर में 3, किसी घर में 2 और किसी घर में तो 1, लेकिन हर घर में 1 तो है ही, 4-5 ज़्यादा जो भी हो जाए, लेकिन है। ये सब यहाँ का लोगों का कहना है कि माता काली का ही कृपा है जो इतना ज़्यादा धन निधान से मिला है। और इसका मंदिर का बनाने का खर्चा भी बाहर से नहीं लिया गया है, सभी गाँव वाले श्रद्धालु दिए हैं। आप भीड़ देखकर भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। मुझे तो लगता है लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। जगह सामने छोटा पड़ जाता है, लोग देखिए छत के मुंडेर पे से बैठ करके देख रहे हैं। और ये मंदिर कितना भव्य लग रहा है, कितना कुशल लग रहा है। अगर आप यहाँ आकर देखिएगा तो इसके भव्यता को जी भर कर निहार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है। आप लोगों से दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट और लाइक करके बताइएगा प्लीज़।